जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतीय क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। और इसी शानदार तैयारी को एक जबरदस्त और नई दिशा देने के लिए प्रश्नवली 2.6 में आज हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 5। देखिए, ये प्रश्न संख्या 5 प्रश्नवली 2.6 का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न बहुत सिंपल है। इसका पहला प्रश्न दे रखा है कि 2.5 की गुना करना है 0.3 से। अब देखिए, आप लोगों को तो गुना करना आसान से आता है, लेकिन हम इस प्रश्न को और भी अच्छे और भी आसानी से करेंगे। यानी हम इसकी डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, यानी 2.5 की डायरेक्ट हम गुना 0.3 से नहीं करेंगे, हम लोग भिन्नों को गुना करेंगे। इसमें भिन्न को ये संख्या दे रखी है दशमलव में, पहले हम इस दशमलव को हटाएंगे फिर गुना करेंगे। देखिए, यहाँ दे रखा है 2.5 × 0.3, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव को हटाओगे तो नीचे एक शून्य आएगा और उसके आगे एक आएगा, यानी 10 हो गया। इसी प्रकार इसमें भी आप लोग दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे भी एक शून्य आएगा और उसके आगे एक आ जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 25 और यहाँ पे भी 3, तो 25 दिया 75 हो गया। ऊपर ऊपर गुना किए और नीचे 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 को 10 से गुना करोगे तो होगा 100। ये इजी है, 25 दिया 75 और 10 है 100 हो गया। अब इसे हम लोग को लिखना है दशमलव में। इसे हम लोग दशमलव में कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे 75 है अंश में, तो 75 लिखेंगे और नीचे हर में कितना शून्य है? 1, 2 शून्य है, यानी ऊपर दो संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। तो एक संख्या दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, शुरू में कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, 0.75 उत्तर हो जाएगा। फिर संख्या 2 दे रखा है 0.1 × 51.7, तो 0.1 लिख लेंगे गुने 51.7, ऐसे लिख लेंगे। इसमें दशमलव हटाएंगे तो इसके बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एक शून्य लगेगा और यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग 517 की गुना 1 से करोगे तो 517 ही होगा और नीचे में 10 की 10 से गुना करोगे तो होगा 100, ठीक है। 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इसे हम लोग को लिखना है दशमलव में, ये संख्या को। यहाँ पे कितना शून्य है? 1 शून्य 2 शून्य है, यानी पीछे से दो संख्याओं के बाद शून्य लगेगा, एक पीछे से दो अंकों के बाद शून्य लगेगा, तो 1, 2 दो अंक के बाद यहाँ शून्य, यानी 5.17 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि 0.2 × 316.8, 0.2 × 316.8, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लगेगा, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे भी 10 लगेगा। अब यहाँ से इजी हो गया, 3168 की गुना 2 से करना है, कर लेंगे। यहाँ से 8 × 2 = 16 के 6 हाथ में, 1 × 6 = 12 और 1 × 13 के 3 हाथ में, 1 × 2 = 2 और 1 × 3 = 3 × 6 और नीचे में 10 दें 100 हो जाएगा, यानी 6336 / 100। इसे हम लोग लिखेंगे दशमलव में, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा उत्तर? 6336 ऐसे लिख देंगे और देखेंगे कि कितना शून्य है, 1 और 2 2 शून्य है, यानी पीछे से दो अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यानी 63.36 हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि 1.3 × 3.1, तो फिर से लिखेंगे 1.3, दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो नीचे में 10 आएगा। इसी प्रकार 3.1, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे भी 10 आएगा। अब आप लोग को 13 को 31 से गुना करना है, तो 13 को 31 से गुना कीजिए, तेरह को गुना करना है 31 से, 13 × 1 = 13 और 13 × 3 = 39, 403 आ गया। कितना है बच्चों? 403। तो यहाँ से लिख देंगे 403
बट्टे 10 हैं 100 आ गया। देखें कितना शून्य है, 2 शून्य है, यानी 403 ऐसे लिख देंगे पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 0 1, यहाँ पे 1 और 2 दो अंक हो गए, यहाँ पे दशमलव लगेगा, यानी 4.03 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, 0.05 × 0.05 × 0.05 यहाँ से दशमलव को हटाओगे तो नीचे में 1 अंक और 0, यहाँ पे 1 और 0 आएगा 10, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव हटाओगे तो 1 2 2 0 आएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, ऊपर में भी 5 है, आगे शून्य का कोई महत्व नहीं है, तो 5 × 5 = 25 / 100 की 10 से गुना करोगे तो 1 2 3 0 आएगा, 1 2 3 0 और 1 1000 हो गया। अब इसे हम लोग को लिखना है दशमलव में, तो यहाँ से लिखिए 2 5, अब 1 2 3 संख्या है, 3 शून्य है, यानी पीछे से 3 अंकों के बाद शून्य लगेगा, तो 1 2 2 ही अंक है, 3 अंक बनाने के लिए यहाँ शून्य लगाना होगा, 1 2 3 अंक हो गए, यहाँ शून्य लगेगा और 0, यानी 0.025 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, 11.2 × 0.015 × 0.015, इसमें 11.2 से दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य लगेगा, यहाँ दशमलव को हटाओगे दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 शून्य लगेगा और 1। ठीक है, 112 की 15 से गुना कर देंगे, एक सौ बारह की 15 से गुना करना है, तो 15 × 2 = 30 का शून्य हाथ में 3, 15 × 15 = 16, 17 × 18 के 8 हाथ में 1, 15 × 15 = 16, 1680 हो गया, तो 1680 × 1 2 3 1 2 3 0 लगेगा नीचे में, अब यहाँ पे 1 2 3 0 है तो 1 6 8 0 लिखेंगे और पीछे से 3 अंकों के बाद सुनेगा, 1 2 3, यानी 1.680 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, 1.07 × 0.02, 1.07 से लिख लेंगे 1.07 × 0.02, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 शून्य लगेगा और 1, यहाँ पे दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है तो 2 शून्य लगेगा। अब 107 की गुना 2 से करोगे, 107 की गुना 2 से करना है तो 7 × 14 के 4 हाथ में 1, यहाँ पे आएगा 1 × 2 = 2, 214 होगा, तो 214 × 10/1 लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 शून्य लगा देंगे। अब देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4 0 है, यानी हमें पीछे से 4 अंकों के बाद शून्य लगाना है, यहाँ पे 2 1 4 3 अंक है, यहाँ पे एक और शून्य लगा दें तो यहाँ पे 4 अंक हो गए, यहाँ पे शून्य लगाएंगे तो 0.02 1 4 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, 10.05 और 1.05, तो 10.05 × 1.05, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 शून्य लगेगा और 1, 100 हो गया, यहाँ पे भी 2 अंक है तो दशमलव हटाओगे तो यहाँ भी 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 1005, यानी 1005 और यहाँ पे 105, यानी 105, अब तो आपको 1005 की गुना 105 से करना है, 1005 की गुना 105 से करना है, देखिए 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2, यहाँ पे आएगा 2 0 5 × 5 0 0 0, 1 × 5 1 0 0 1 0 0 1 1 1, कितना आ गया 5 2 5 5 10, यानी 10 55 25, कितना आएगा 10 55 25 और नीचे में 1
एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार शून्य लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए कितना शून्य है, एक दो तीन चार शून्य, यानी पीछे से चार अंकों के बाद शून्य लगाना है। तो पहले संख्या लिखेंगे अंश वाला, एक शून्य पाँच, पाँच दो पाँच, एक दो तीन चार शून्य, तो एक दो तीन चार, इसका उत्तर होगा 10.55, 25। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 दे रखा है, 101.01 × 0.01, तो 101.01 × 0.01, यानी शून्य के बाद दो अंक है, शून्य को हटाओगे तो यहाँ पे 100 होगा, यानी आप शून्य के बाद दो अंक है तो शून्य को हटाओगे तो यहाँ भी 100 होगा। 101.01, इसकी गुना एक से करोगे तो आएगा 101.01, ठीक है। और यहाँ पे है 1 2 3 4, तो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी चार अंकों के बाद हमें शून्य लगाना है। तो 101.01 1 2 3 4, इसका उत्तर होगा 1.01 0.01। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 प्रश्नावली 2.6 का अंतिम प्रश्न है। तो लिखेंगे 100.01, इसकी गुणा करना है 1.1 से, यहाँ पे 0.01 हटाओगे तो यहाँ पे लगेगा 100, और यहाँ 0.01 हटाओगे तो आगेगा 10, ठीक है। अब ये गुना करेंगे तो 100.01 हो, एक की गुना करना है हमें 11 से, ठीक है। और यहाँ पे है 10 की, 100 की गुना 10 से करोगे तो 1 2 3 0 लगेगा। अब इसकी गुना कर लेते हैं, तो ऐसे ऐसे गुना करते हैं, 100.01 और यहाँ पे 1.0001, तो 1.0011 होगा, यानी 11.0011 कितना होगा, 11.0011/1000। इसे भागा करोगे तो कितना शून्य है नीचे में, नीचे में 3 शून्य, यानी अंश को लिख लेना 1.0011, 3 शून्य यानी 1 2 3, यानी 110.0011 इसका उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था वाली 2.6 का प्रश्न संख्या 5। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न वाली 2.5 समझ में आया होगा। इस प्रश्न वाली से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो नीचे कमेंट में अपने डाउट को लिखिएगा। और हाँ बच्चों, इतनी मेहनत पसंद आ रही हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, उसमें हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 2.7। थैंक यू।